हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मीशो से की है। और मैंने लहंगा, साड़ी, कुर्ती और ये साड़ी जो मैंने वेयर की है ये भी मंगाई है, तो बहुत ही रिजनेबल रेट में, बहुत ही अच्छे रेट पे मंगाई हूँ। अगर आपको शादी फंक्शन के लिए शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम प्राइस में करनी है, क्योंकि आपको मीशो पे पता है बहुत ही कम प्राइस में आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ, सूट, कुर्तीज अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जिनको मीशो के बारे में नहीं पता है मैं बता दूं, मीशो एक रिसेलिंग ऐप है। यहाँ पे आप शॉपिंग करने के साथ साथ यहाँ पे आप घर बैठे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप कैसे घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। आपको एक भी पैसा यहाँ पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मैंने शॉपिंग करी है इसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे लोग बोलते हैं दी लिंक दे दो, तो मीशो पे किसी भी प्रोडक्ट का लिंक नहीं होता है। जितने भी मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाऊंगी, साड़ी, सूट, लहंगा, इन सबों का कोड होता है, तो उस कोड को मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में। तो वो कोड आप देख लेना और उसको ले जाके जब आप मीशो में जाओगे ना, वहां पे सर्च बार में उस कोड को लिख के आप सर्च करोगे तो हूबहू अगर ये साड़ी आप सर्च करते हो तो वो साड़ी वहां पे ओपन हो जाएगी और वहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है मीशो से शॉपिंग करना और घर बैठे बिजनेस भी स्टार्ट करना। चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, उसके बाद मैं बताऊंगी मीशो से आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक आपके फायदे की बात है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो ऐप का लिंक होगा, अगर आप उसके थ्रू मीशो डाउनलोड करते हैं तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा फर्स्ट शॉपिंग पे। तो सबसे जो मैंने फर्स्ट साड़ी मंगाई है यहाँ पे मैंने वेयर की है, इसको मैंने फिलहाल अभी ब्लैक ब्लाउज पे वेयर किया है, ये आप देख सकते हो। लेकिन इसका जो ब्लाउज है बिल्कुल इस तरीके का प्रिंट, ऐसे ही पिंक कलर का है और ऐसे ही बॉर्डर दिया हुआ है, तो अभी मैंने उसको स्टिच नहीं करवाया। ये साड़ी नेट फैब्रिक में है और नेट फैब्रिक इतना इसका सॉफ्ट और इस पे कुछ दिया हुआ है रेशम का वर्क। यहाँ पे मैं आपको अपने आंचल में दिखा देती हूँ, ये पूरा आंचल इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ रेशम का वर्क दिया है और ये रेशम का जो वर्क है इतना फाइन दिया हुआ है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी धागा इसका इधर उधर नहीं है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बीच में इसके छोटे छोटे स्टोन दिए हुए हैं, जो ज्यादा वाला फ्लावर है यहाँ पे स्टोन दिए हुए हैं। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, इसके 3-4 कलर वहां पे अवेलेबल हैं, तो मैं आपको पूरी साड़ी आपको साइड में दिख रही होगी कैसा लुक आ रहा है। ज्यादा महंगी साड़ी नहीं है और इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी मिल रही है, मैं बहुत खुश हुई जब ये मुझे रिसीव हुआ था ये साड़ी। और चलिए मैं आपको दूसरी साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, और ये साड़ी इतनी कम रेट में और इतनी खूबसूरत है, मैं साइड में इसकी भी वीडियो लगा दूंगी। आज मैं जो आपको साड़ी दिखा रही हूँ ये है येलो एंड ब्लैक कलर में साड़ी, में खादी कॉटन जो आता है कपड़ा वो कपड़ा है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये, आप देख सकते हो डालने के बाद तो इतना प्यारा ये लगने वाला है। और इसकी बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर में कुछ बॉर्डर दिया हुआ है, तो पूरी। और इसका जो ब्लाउज पीस है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका ब्लाउज पीस कैसा है, ब्लाउज पीस इसका ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है, यहाँ से आप कट करके स्टिच करवा लो। और ये इसका ऊपर वाला बॉर्डर दिया हुआ है इस टाइप से, और जो नीचे का बॉर्डर दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे का जो बॉर्डर है साड़ी के नीचे वो इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें फॉल पिको वैसे ही ये डालने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साड़ी को सर्च करते हो तो इसके साथ की जितनी भी साड़ियां हैं वहां पे ओपन हो जाएगी, तो आप वहां से अगर आपको दूसरा पसंद आता है तो वो भी परचेज कर सकते हैं। इसका पल्ला कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये आंचल है इसका, और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है। तो इसका भी कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। उसके बाद एक येलो कलर की, येलो एंड ब्लैक कलर की साड़ी जो मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में दिखाया है और मुझे इतनी प्यारी ये साड़ी लगी, तो ये वाला जो मैंने मंगाया है अपनी भाभी के लिए मंगाया है, तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी साड़ी। और डालने के बाद तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा इसका पिक और रील्स कितना खूबसूरत लग रहा था। तो ये साड़ी सिल्क में है, ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है, और साइड में तो मैं पहले वाला ही लगा दूंगी क्योंकि इस टाइम पे मैं इसको वेयर नहीं करूंगी, इसको मैंने वेयर करके दिखाया है कितना खूबसूरत लग रहा था। तो इसका जो पल्ला है, इसका जो आंचल है इस तरीके से ब्लैक कलर का दिया हुआ है, और ब्लाउज में इसमें दिया हुआ है कुछ इस तरीके का ब्लाउज है, ये इसका पल्ला है और ये इसका ब्लाउज दिया हुआ है। यहाँ मैं सीधा करके दिखा देती हूँ, तो बताना ये वाली साड़ी कैसी लग रही है। तो ये तो मेरे लिए नहीं, ये मेरी भाभी के लिए है। एंड उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ती ब्लैक कलर की, जो वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और वैसे भी ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, तो कुछ भी लेती हूँ ना तो मुझे पसंद आ जाता है। तो
यहाँ पे ये कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ और इस कुर्ती की भी प्राइस ज्यादा नहीं है, 500 से नीचे है शायद, अगर जो भी होगा मुझे याद नहीं है, मैं साइड में इसका स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी। तो इस कुर्ती की आप डिजाइनिंग देख सकते हो, रियोन फैब्रिक में ये कुर्ती है एंड फ्रंट में यहाँ पे गले पे कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया हुआ है और ये पूरा रेशम वर्क का डिजाइन है, ये कितना खूबसूरत है आप देख सकते हो। और इसी तरीके से इसकी डिजाइनिंग सबसे ज्यादा मुझे पसंद आई, इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है बाजू पे डिजाइन और बाजू के साथ साथ इसके दूसरे बाजू पे भी कुछ ऐसा डिजाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बाजू के नीचे में डिजाइन और यहाँ पे जो डिजाइन दिया हुआ है ये बाजू के ऊपर में दिया हुआ है। तो इसकी जो मतलब डिजाइनिंग है मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। बाकी इस कुर्ती का जो साइज है यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब नीचे तक है, घुटने से नीचे तक है और साइड में यहाँ पे कुछ इसी तरीके से ये वर्क दिया हुआ है, रेशम वर्क ही है। तो देखने के बाद ये देखिए इस तरीके से कुछ बैक साइड इसका दिया हुआ है, यहाँ पे दी हुई है एक डोरी जो बांधना है और उसके बाद यहाँ पे भी दोनों साइड में डिजाइन दिया हुआ है। तो आप इसको व्हाइट लेगिंग्स के साथ या फिर रेड लेगिंग्स के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। ये कुर्ती का जो डिजाइन है बिल्कुल यूनिक है, ऐसे बहुत ही कम कुर्तियां मिलती हैं देखने के लिए। उसके बाद मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सा एक लहंगा जो 1000 के नीचे है, ब्लैक एंड पिंक कलर में आप देख सकते हो। ये लहंगे को मैं काफी टाइम से देखती थी, उसके बाद फाइनली मैंने ऑर्डर कर लिया और ये भी ब्लैक एंड पिंक कलर कॉम्बिनेशन इसका इतना प्यारा दिया हुआ है। साइड में इसका भी मैं वीडियो लगा दूंगी, तो इसका आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो। वैसे इस लहंगे का कलर बहुत सारे अवेलेबल है वहां पे, लेकिन मुझे जो पसंद आया ये आया, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे काफी अट्रैक्ट किया ये वाला लहंगा। और इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, इस लहंगे के साथ ही दुपट्टा कितना प्यारा जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं तो लहंगा आपको दिखाती हूँ, उसके बाद दुपट्टा दिखाती हूँ। तो लहंगा का जो घाघरा है ये वेलवेट टच में है और मतलब जितना प्राइस है इस लहंगे का उसके हिसाब से ये लहंगा बहुत ही ज्यादा प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और काफी लाइट वेट भी है। और इसमें नीचे कैनकेन तो नहीं लगा हुआ है, ये मैं नहीं कहूंगी, अगर आपको कैनकेन लगवाना है तो लगवा सकते हैं या फिर कैनकेन वाला स्कर्ट भी आता है। इसका जो कमर दिया हुआ है काफी ज्यादा दिया हुआ है, मेरे में इतना ज्यादा हो रहा है ये कमर इसका साइज। तो आप मेरे से अगर हेल्दी है तो आप इस लहंगे को बेशक ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है एंड ये पूरा वेलवेट का है ये लहंगा। और इसकी पूरी डिजाइनिंग मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत इसके डिजाइन लगा हुआ है और यहाँ पे ये रेशम और जड़ी का कुछ वर्क दिया हुआ है और बीच बीच में इसमें दिया हुआ है मोती, और ये मोती निकलने वाला नहीं है, ऐसे चिपकाया, बहुत सारे लहंगे में या फिर साड़ी में कुर्ती में होते हैं ना चिपका दिया जाता है, ये बिल्कुल चिपकाया हुआ नहीं है, इसमें बिल्कुल अटैच है इसमें, मतलब इसको पूरा धागे से अंदर सिलाई की हुई है, बिल्कुल नहीं निकलने वाला है जितनी भी मोतियां हैं। तो यहाँ पे आप पूरा इसकी डिजाइन देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, साइड में आपको वीडियोज भी दिख जाएंगे तो ये देख सकते हैं। और इसका बैक साइड भी बिल्कुल ऐसे ही है ये पूरा डिजाइन, और नीचे की मैं डिजाइन दिखा रही हूँ पूरे लहंगे में ऐसे ही है और बहुत ज्यादा काम तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी है खूबसूरत है। इसे बस आपको इस लहंगे को स्टिच करवाना है और आप वेयर कर सकते हो, अगर आपके घर में शादी है तो भी इस लहंगे को वेयर कर सकते हो। इसका ब्लाउज मैं दिखाती हूँ, कलर के साथ साथ इसमें कुछ पिंक का वर्क दिया हुआ है, पिंक एंड गोल्डन का, जैसा कि इसके दुपट्टे में है। तो ये भी वेलवेट का है, ये ब्लाउज का फ्रंट साइड की डिजाइन है, तो ब्लाउज के फ्रंट साइड में ये डिजाइन जो है एक साइड में आएगी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये बैक साइड बिल्कुल इसका प्लेन है, ये आप देख रहे हो ये बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, और ये जो डिजाइन दी हुई है ना बाजू की डिजाइन दी हुई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये डिजाइन चेंज भी करवा सकते हो। उसके बाद चलिए मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ, उसका दुपट्टा कैसा है। तो दुपट्टा बिल्कुल ये देख सकते हो उसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है एंड साइड साइड में इसके बॉर्डर दिया हुआ है, ये बॉर्डर पे जड़ी, साइड में तो सबसे पहले मैं दिखा दूं यहाँ पे मोती दिया हुआ है, नजदीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद ये लेस दिया हुआ है, उसके बाद ये प्यारा सा वर्क दिया हुआ है जो इस लहंगे पे है, बिल्कुल मैचिंग करते हो। उसके बाद फिर से लेस दिया हुआ है और बीच बीच में यहाँ पे दिया हुआ है जड़ी का कुछ वर्क, पूरे दुपट्टे में इस तरीके से जड़ी का वर्क दिया हुआ है और दुपट्टे का साइज भी बहुत ही अच्छा खासा है, बहुत ही प्यारा लगने वाला है इसको डालने के बाद। और देख सकते हो आप, और लहंगे के साथ जब वेयर करोगे आप तैयार हो गए तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुर्ती मरून सेड में है और इस पे कुछ प्रिंट, ये भी जितना भी चीजें देख रहे हो आप प्रिंट दिए हुए हैं, ये प्रिंट है लेकिन ये प्रिंट निकलने वाला नहीं है। तो इसका फ्रंट साइड ये है, फ्रंट साइड में यहाँ पे डिजाइन बटन के साथ साथ डिजाइन दी हुई है। मेरा साइज है XL, मैंने जितनी भी कुर्तियां मंगाई है XL मंगाई है,
और इसकी बैक साइड में आपको दिखा दूं, इसकी फैब्रिक रियोन फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है और जैसे कॉटन रियोन बिल्कुल भी मतलब ना कंफर्टेबल आप फील करोगे इस कुर्ती को डालने के बाद। प्लाजो के साथ ये कुर्ती बहुत अच्छा है, जिस प्राइस में आपको प्राइस साइड में आपको दिख जाएगी कितना प्राइस है, इस प्राइस में बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, ऊपर में रबर दिया हुआ है और इस प्लाजो की आप डिजाइन देख सकते हो, आप इसको टॉप के साथ भी घर में वेयर कर सकते हो। कि मैंने कितनी प्यारी प्यारी लहंगे साड़ी कुर्ती मंगाए हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये देखते हैं कि आप घर बैठे मीशो पे कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे। यहाँ पे आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोबाइल चाहिए हाथ में और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो मीशो का लिंक दिया है उससे आप ऐप को डाउनलोड कर लें, जब मीशो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी साड़ी सूट कुर्ती लहंगा जो भी आपको चूज़ करना है, तो यहाँ से आप कुछ भी आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना है कुछ भी सेल करना है तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने एक कुर्ती सेलेक्ट किया है और इसमें जो भी आपको पसंद आता है आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने को ये पसंद आया और इसको आपको करना क्या है, शेयर नाउ पे करना है और साइज सेलेक्ट कर ले, शेयर नाउ पे करें और शेयर नाउ पे करने के बाद आप व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इसको। उनको कोई भी प्रोडक्ट अगर पसंद आ जाता है, अगर ये कुर्ती पसंद आ जाता है तो आपको उनको ऑर्डर करना है, ऐड टू कार्ट करिए, ऐड टू कार्ट कार्ट करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सब ऑप्शन है। तो यहाँ पे साइज़ वगैरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना होगा, तो यहाँ पे जैसे 326 है तो आप 400 कर लीजिए, यहाँ पे जो मार्जिन हो तो वही आपकी कमाई होगी। और यहाँ पे अगर खुद के लिए ऑर्डर करना है तो जितना प्राइस है उतना ही आपको प्राइस रखना है और आपको पेमेंट करके ऑर्डर कर लेना है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना करूंगी। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।